हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कौन कौन से स्ट्रेंथ है और कौन कौन से उनके वीकनेसेस हैं, इसके बारे में हमारा ये टॉपिक होने वाला है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर आकर के हमारे चैनल को सर्च करने के बाद यहाँ पर आकर के आपको सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा देना है। और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप कॉमर्स की पाठशाला के एक्सक्लूसिव मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको इस ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। आप अगर एमकॉम से हैं तो एमकॉम का कोर्स सेलेक्ट करेंगे और इस ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद एक नॉमिनल सा अमाउंट आपको पे करके आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर्स बन सकते हैं, जहां पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको फ्री सॉल्व असाइनमेंट्स मिल जाएगा, आपको लो कॉस्ट नोट्स मिलेंगे, जो भी आपको एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने के लिए नोट जो नोट्स चाहिए होते हैं एक्सक्लूसिवली वो बनाए जाते हैं हमारे चैनल की तरफ से, तो वो आपको मिल जाएगा। आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू हैव इन योर माइंड यू कैन आस्क अस थ्रू दिस व्हाट्सएप सपोर्ट। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है जहां पे जाकर के आपको सारी की सारी सपोर्ट जो है मिल पाएंगी। तो 24/7 हमारा ये व्हाट्सएप सपोर्ट होता है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जब आप हमारे ज्वाइन जो मेंबरशिप फी है जब आप उसको पे कर लेंगे तो आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को वीडियोस देखने में या ढूंढने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आइए। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी, प्लेलिस्ट का सेक्शन दिख जाएगा। तो इग्नू एमकॉम का जो सेक्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इग्नू एमकॉम आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 और एमसीओ 1 से लेकर के एमसीओ 7 तक की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोज है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे अभी और भी वीडियोज अपलोड हो चुकी होंगी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इन सारे वीडियोज को आप वॉच करके एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो की होने वाला है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। चलिए फिर देखते हैं। इट वुड बी पर्टिनेंट एट दिस स्टेज टू एक्सेस सम ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर एंड ऑल्सो एनालाइज सम ऑफ इट्स वीकनेसेस। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला जो स्ट्रेंथ है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ करेंगे कि हमारी मजबूती क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हम बेहतर है, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला जो बेनिफिट हमें मिलता है वो ये होता है कि हमारा जो कॉटन बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग कॉटन बेस हमारा सबसे बड़ा जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ है। इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रांग कॉटन बेस, द कंट्री हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट एरियाज अंडर कॉटन कल्टिवेशन इन द वर्ल्ड टूडे, प्लेस्ड ओवर 7.5 मिलियन हेक्टेयर एंड दिस एरिया इज एक्सपेंडिंग, है ना। तो हमारे इंडिया में जो जो बेस है कॉटन का वो बहुत ही स्ट्रांग है। 7.5 मिलियन हेक्टेयर्स में जो है कॉटन की खेती होती है, और ये डेटा जो है 2011 का है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद 2022 तक 11 साल हो चुके हैं, अभी ये और एक्सपेंड कर गया होगा, है ना। कॉटन ऑल्सो अकाउंट फॉर 75% ऑफ द टेक्सटाइल फैब्रिक कंजम्पशन इन द कंट्री एंड कॉटन गार्मेंट्स इज ऑलरेडी अकाउंट फॉर अबाउट 65% ऑफ द टोटल गार्मेंट्स असॉर्टमेंट्स, है ना। तो इंडिया में जितने भी सारे फैब्रिक का कंजम्पशन होता है, बहुत सारे फैब्रिक होते हैं, आपको पता है कॉटन है, सिल्क है, और भी बहुत तरह के होते हैं। तो वहां पे जो कॉटन होता है वो 75% हमारे इंडिया में सिर्फ कॉटन के कपड़े ही बिकते हैं, है ना। और जो गार्मेंट्स होते हैं, है ना, वो वहां पे 65% जो हमारा टोटल ट्रेड है उसमें आपका जो है 65% जो है कॉटन होता है। द वर्ल्ड डिमांड फॉर कॉटन फैब्रिक एंड क्लोथिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी फेयरली स्टेबल। तो जो वर्ल्ड में डिमांड है क्लोथिंग की, कॉटन क्लोथिंग की, कॉटन फैब्रिक की, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा इन फ्यूचर होगी और स्टेबल रहेगा, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। इसीलिए इंडिया जो है, अब इंडिया के पास एक अपर हैंड है, हमारे पास एक स्ट्रेंथ है कि हमारा जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरा पॉइंट है अबंडेंट एंड लो कॉस्ट मैन पावर रिसोर्सेज। हमारे यहाँ पे जो मैन पावर रिसोर्सेज है वो अबंडेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में है और बहुत ही कम पैसे पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। वैसे अगर आप दूसरी कंट्री के लोगों को लेकर के आओगे तो डेफिनेटली उनके यहाँ पे चूंकि इनकम ज्यादा है तो वो लोग ज्यादा चार्जेस करेंगे, बट इंडिया में जो लेबर होता है ना वो बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा है काम करने वाले। तुम काम नहीं करोगे तो तुमसे करवा लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैन पावर बहुत ही सस्ता है, तो यहाँ पे अबंडेंट लो कॉस्ट मैन पावर है। देखो क्या लिखा हुआ है,
इंडियन लेबर इज प्लेंटीफुल एंड इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड टूडे, है ना। पूरी दुनिया में जो सबसे चीपेस्ट वर्ल्ड मैन पावर है वो हमारे इंडिया में है। इसलिए देखना कि इंडियंस है जो है वो तकरीबन हर एक कंट्री में जाकर के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो जो उनको मनी जो पैसा मिल रहा है इंडिया में वो बाहर में उनको उससे ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलता है बट वहां के लोगों के मुकाबले कम है। सपोज आप अमेरिका में जा रहे हो, अमेरिका में लोगों जब सेम काम को कर रहे हैं जो काम तुम कर रहे हो तो वो ज्यादा कमा रहे हैं। वो काम तो पहला बात वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे कि मुझे इतनी कम सैलरी दे रहे हो मैं तो नहीं करूंगा, तो फिर इंडियंस बोलेंगे चलो मैं कर लेता हूँ, है ना। तो ये चीज जो है हमारे हमारे जो मैन पावर है वो बहुत ही सस्ता है पूरी की पूरी दुनिया में। तीसरा पॉइंट है अ लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ही लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड है ना। जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इंडिया इज परहैप्स द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड वेयर ऑल द थ्री टेक्सटाइल सेक्टर्स नेमली हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल इंडस्ट्री को एग्जिस्ट। तो इंडिया पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे तीनों तरह के टेक्सटाइल सेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे हैंडलूम मतलब हाथ से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो भी मिल जाएंगे, आपको पावरलूम मिल जाएंगे और आपको मिल इंडस्ट्री भी मिल जाएगा जो कि प्रोडक्शन करता है कपड़ों का। तो तीनों तरह के जो है यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारे इंडिया में है, तो बड़ा भी है और डाइवर्सिफाइड भी है, राइट। दिस फैक्ट डज प्रोवाइड दैट द कंट्री हैज सम एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग अ वाइडर वैरायटी ऑफ डिजाइंस एंड कलर कॉम्बिनेशन इन इट्स टेक्सटाइल टू सेटिस्फाई मोर डिस्क्रीमिंग फॉरेन बायर्स, है ना। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास जो है एक अपर हैंड है, हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम वैरायटी ऑफ डिजाइन, वैरायटी ऑफ कलर्स कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कपड़ों में, और जो फॉरेन बायर्स है उनको एक तरीके से एनकरेज कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए, है ना। चौथा नंबर जो हमारा वीकनेस सॉरी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि क्रिएटिविटी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड वेवर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, है ना। तो हमारे यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन रहे हैं, जो वेवर्स रहे हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही डिजाइनदार होते हैं, डिजाइनर्स आपको एक से एक मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। तो वही हमारा सबसे बड़ा एक स्ट्रेंथ है कि चूंकि हमारे लोग बहुत क्रिएटिव है और एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही तगड़े हैं, तो जिसके कारण से हम अपने प्रोडक्ट को बाहर भी सेल कर सकते हैं और उसमें दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं होती है। The creativity of Indian weavers, particularly by in the handloom and decentralized power loom sectors, has obtained admiration of Western designers, who often visit India to buy fabrics to get garments made according to their detailed specification. तो सोचो इतना अच्छा हमारा weavers जो category है वो ये है, जो craftsman है वो इतना बढ़िया है कि जो बाहर से लोग होते हैं, जो Western designers होते हैं, वो India में आते हैं ताकि वो यहाँ के कपड़े, यहाँ के design, यहाँ के garments को वो खरीद सकें, और जो उनकी specifications हैं, उनके according जो है उनको सामान भी हमारे इंडिया में मिल जाता है। मेनी ऑफ द फैब्रिकेशन डन इन इंडिया थ्रू दे मे अल्टीमेटली गिव देयर ओन लेबल्स टू द क्लोथिंग सो मैन्युफैक्चर, है ना। तो इंडिया में वो सामान लेकर के जाते हैं और फिर अपना लेबल जो है वहां लगा करके एक तरीके से वो अपने सामान को बेचते हैं। तो इस चीज का एक अपर हैंड हमारे पास है। पांचवा नंबर जो हमारा स्ट्रेंथ है वो ये है कि एबिलिटी टू कैटर और टू स्मॉल ऑर्डर्स, है ना। हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम हर एक तरह के ऑर्डर को कैटर कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। खासकर छोटे ऑर्डर्स को कैटर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे बेनिफिट कम होता है, लेकिन हमारे पास वो एबिलिटी है, हमारे पास वो मैन पावर है जिसके जरिए हम स्मॉल ऑर्डर्स को भी कम्प्लीट कर सकते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन गारमेंट सेक्टर हैज ऑलरेडी बीन मेंशन अर्लियर, इट रेफर्स टू द फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री वेयर व्हिच एनेबल्स टू सिक्योर स्मॉल ऑर्डर्स फ्रॉम ओवरसीज इंपोर्टर्स फॉर वेरिड असॉर्टमेंट्स एंड डिजाइन प्रोपोजिशन विच मे ऑफ द लार्ज स्केल यूनिट्स फाइंड टोटली अनवायबल, है ना। तो जो लार्ज स्केल यूनिट्स होंगे उनको तो लगेगा कि भाई छोटे ऑर्डर्स हम क्यों लेंगे, है ना, तो वो काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन इंडिया में जो डाइवर्सिफिकेशन के कारण, या एक क्या बोलूं, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री होने के कारण, तीनों तरह की इंडस्ट्री होने के कारण टेक्सटाइल सेक्टर में हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम स्मॉल ऑर्डर्स को भी सही टाइम पे क्लियर कर सकते हैं। और वहां पे देखो हमारा जो डिजाइन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छा होता है ना, तो लार्ज स्केल के लिए कर पाना पॉसिबल नहीं है, वगैरह छोटे स्केल के लिए कर पाना बहुत ही पॉसिबल है, इसलिए हम स्मॉल ऑर्डर्स को भी कैटर कर पाते हैं। छठा नंबर पॉइंट है लिबरलाइज्ड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आपको पता है कि 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से लिबरलाइजेशन लेकर के आए इस वाले इंडस्ट्री में भी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को लिबरलाइजेशन का बेनिफिट हुआ और वो ज्यादा से ज्यादा इस व्यवसाय के साथ जुड़ने लगे, है ना। हालांकि हैंडलूम जो हमारा सेक्टर है उसको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे चीजें जो है हाथ से बनाई जाती है और उनको जो उनका कामगार है, जो उनका पैसा उनको मिलना चाहिए वो भी उनको ठीक तरीके से मिल नहीं पाता, तो ये एक दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन जो लिबरलाइज्ड पॉलिसी की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसके जरिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है और यही हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी है।
Having realized the vast export potential of this sector, the government has liberalized the imports of wide range of modern garments manufacturing machinery, including high speed machines, है ना? तो चूंकि इंडिया में इस चीज का जो इसका एक्सपोर्ट है उसको देख करके या इसके पोटेंशियल को देख करके गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि क्यों ना हम बाहर से हाई जो जो मशीनरी है, जो वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न गारमेंट की मशीनरी है, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है, हाई स्पीड मशीनरी है, उसको बाहर से इंडिया में मंगवाएं ताकि इस काम को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। देखो हमारे पास स्किल है, हमारे पास क्रिएटिविटी है, हमारे पास आइडिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मशीनों की जरूरत है जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सके, राइट? उसके लिए गवर्नमेंट ने एक तरीके से लिबरलाइज किया है पॉलिसी को ताकि हम बाहर से सब चीजों को मंगवा सकें और अपने काम को ठीक तरीके से चला सकें। तो इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल आइटम्स लाइक जिप फास्टनर्स, ट्रिमिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट्स हैव आल्सो लिबरलाइज्ड, है ना? तो इन सब चीजों में भी जो है लिबरलाइजेशन हुआ है। इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन सेवरल ऑफ दीज आइटम्स हैव आल्सो बीन सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड, है ना? तो बहुत सारे चीजों के ऊपर जो है जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जो टैक्सेस लगते थे, उसको भी कमा दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें हिस्सा लें और एक तरीके से इस इंडस्ट्री को और आगे की ओर लेकर के जाएं। तो ये तो भाई हमारा हो गया एक तरीके से स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के साथ लेकिन अब वीकनेस को करना भी बहुत जरूरी है। वीकनेस जो है हमारा इंडस्ट्री का उसको भी हमको अब समझ लेना होगा, और वीकनेस ही हमारा डिसएडवांटेज भी है एक तरीके से, है ना? सो द इंडस्ट्री सफर्स फ्रॉम सर्टेन इनहेरेंट वीकनेस। इनहेरेंट मतलब जो काफी समय से चलती आ रही है। Despite of the these weaknesses, हमारा इंडस्ट्री जो है एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हम अगर इन वीकनेसेस के ऊपर ध्यान देंगे और इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो है इंडस्ट्री वो और भी बेहतर हो पाएगा। तो सबसे पहला जो वीकनेस है वो ये है कि डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। तो हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है ना वो डिसेंट्रलाइज है। देखो यहाँ पे पहले के जमाने में हाथों से ही सारी चीजें बनती थी, तो हर एक जगह पे ना लोग जो है इसको बनाते थे, छोटे 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 जो है कंपनीज थी या फिर मिल्स थे जो कि इन सब चीजों के ऊपर काम करते थे। एक इंडस्ट्री के ऊपर जो काम होता है ना कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री एक ही तरीके से काम कर रहा है, यू नो स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज है, तो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री नहीं होने के कारण ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि हम किस तरीके से उसको बेहतर बना सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री के कारण हमें जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है और यही हमारा वीकनेस भी है, राइट? द इंडस्ट्री इज हाईली डिसेंट्रलाइज। हमारा जो इंडस्ट्री वो बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। एट द टॉप ऑफ एक्सपोर्ट्स चेन इन द मर्चेंट एक्सपोर्ट हु कैनवासेस फॉर एंड फाइनली एग्जीक्यूट द इंपोर्ट ऑर्डर्स, है ना? तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट ऑर्डर्स, हमारे पास ऑर्डर आ गया करने का, लेकिन काम करने के लिए लोग नहीं है। अब काम करने के लिए लोग अगर एक यूपी में है तो एक राजस्थान में है, तो ऑर्गेनाइज नहीं है, चीजें जो है ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसके कारण से हमें जो है दिक्कत होती है। द प्रोडक्शन ऑपरेशंस हाउएवर आर कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल फैब्रिकेटिंग यूनिट्स हु आर समटाइम्स असिस्टेड बाय बटन होल्डिंग यूनिट्स एंड अदर स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो देखो जो प्रोडक्शन ऑपरेशन होते हैं वो कैरिड आउट किए जाते हैं बाई इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल फैब्रिकेटिंग यूनिट्स। इसी के मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल फैब्रिकेटिंग यूनिट्स है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि सबको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सबको एक दूसरे के साथ जोड़ देना चाहिए और सबको स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट बनाओगे, आप ये प्रोडक्ट बनाओगे। तो ऑर्गेनाइज करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है अभी के टाइम पे। हालांकि गवर्नमेंट ने काम किया है, बहुत हद तक ऑर्गेनाइज हुई भी है चीजें, बट अभी भी और भी बहुत सारे काम बाकी हैं, है ना? तो ये जब हम कर लेंगे तो हमारा जो ये वीकनेस है इसको हम दूर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला वीकनेस है वो है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, सॉरी इंडस्ट्री, है ना? ये आखिर का जो पैराग्राफ है ये आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है ना? आगे चलते हैं। ओल्ड एंड ऑटो आउटडेटेड मशीनरी। तो हमारे पास जैसा कि आप मैंने ऊपर में जो स्ट्रेंथ है वो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया है, तो हम बाहर से मशीनरी जो जो अभी की जो टेक्नोलॉजी है, अभी की जो मशीनरी है, उसको हम मंगवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि अभी भी, मतलब ये डिसीजन होने के बाद या इसको समझने के बाद भी, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे अभी भी आउटडेटेड मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ही ओल्ड मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। तो उनकी एफिशिएंसी डेफिनेटली कम है। अगर नई मशीनरी 10 कपड़े बना रही है तो पुरानी मशीनरी उसकी जगह पे 5, 3, 2 ऐसे करके कपड़े बना रही है ना? तो ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी हमारा एक वन ऑफ द क्या बोलूं वीकनेस है। कंपेयर टू द मोस्ट ऑफ द अदर एक्सपोर्टिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, द इंडियन गारमेंट सेक्टर इज इक्विप्ड विद एब्सोल्यूट मशीनरी इन मेनी केसेस विद सिंपल पैडल ऑपरेटेड मशीन, है ना? पैडल ऑपरेटेड मशीन, समझ रहे हो? पैर से जो हम सिलते हैं ना कपड़ा, पैर में दबा दबा करके जो कपड़े सिलते हैं वो मशीनरी अभी भी चल रही है, जबकि पूरी दुनिया में एक तरीके से ऑटोमेटेड जो है मशीनरी आ गई है। यू नो आपको बस ध्यान रखना होता है कि कब आपको बंद करना है, कब स्टार्ट करना है। सिर्फ आप मशीनें ऑन कर दो, ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जो गारमेंट सेक्टर है यहाँ पे एब्सोल्यूट एक मशीनरी है, मतलब अच्छी मशीनरी नहीं है, है ना?
और पैडल ओरिएंटेड मशीनरी है जिसके कारण से ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत होती है, काम भी सही टाइम पर हो नहीं पाता, आपका ऑर्डर भी सही टाइम पर पूरा नहीं हो पाता। दिस प्रॉब्लम इज ओनली नाउ बीइंग एड्रेस्ड विद अ लिबरलाइज्ड इंपोर्ट पॉलिसी। तो जब लिबरलाइज्ड इंपोर्ट पॉलिसी की जब बात हुई तब जाकर के इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया कि भाई चलो ये इशू है तो इसके लिए हम अपनी पॉलिसी को लिबरल बना देते हैं, बाहर से मशीनें मंगवाते हैं। लेकिन अगर ये चीज अगर हम पहले कर पाते तो डेफिनेटली हमारा जो इंडियन सेक्टर है, जो गारमेंट सेक्टर, जो मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, वो एक्चुअल अहमदाबाद मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता, ना कि मैनचेस्टर अहमदाबाद के, है ना। तो ये इस तरीके की बात हो जाती है। तीसरा जो हमारा वीकनेस है वो ये है कि शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर। तो हमारे यहाँ पे मैन पावर तो बहुत है भाई, हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 35 के अंदर रहने वाले तकरीबन 65 करोड़ लोग हैं, जो कि जिनका एज 35 से कम है। तो मैन पावर तो हमारे पास भाई बहुत ही ज्यादा है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत होती है ट्रेन्ड मैन पावर में, कि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, वो काम ही नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से। तो लोगों को ट्रेन करना, लोगों को तैयार करना इंडस्ट्री के लिए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। तो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर है। ऑल टू द लेबर इज इन इंडिया इज प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा है, लेकिन द गारमेंट सेक्टर हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स, है ना। लेबर फोर्स जो है हमारे पास वो स्किल्ड नहीं है, वो उतना मजबूत नहीं है। लाइक एक्सपोर्ट कटर्स, आगे चलते हैं दूसरी तरफ आपको मिलेगा ये। तो ये देखो, लाइक एक्सपोर्ट कटर्स, मशीन ऑपरेटर्स, डिजाइन एंड सो ऑन। तो इस तरह के कामों के लिए हमारे पास जो है एक तरीके से जो मैन पावर है वो स्किल्ड नहीं है कि वो लोग काम को बहुत ही स्मूथली कर सकें। सबको पहले ट्रेन करना होगा, फिर एक तरीके से उनको जो है काम करने के लिए डालना होगा, है ना। सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेंट लेबर फोर्स। यहाँ पे माइग्रेंट लेबर फोर्स का भी एक इशू है कि इंडिया से, इंडिया में जो है राजस्थान में सपोज अगर काम हो रहा है तो राजस्थान में काम करने के लिए पूरे इंडिया से लोग जा रहे हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम हो गई तो सारे लोग वापस आ गए, फिर वहां का काम कौन संभालेगा, है ना। तो माइग्रेंट जो लेबर्स होते हैं वो फोर्स होने के कारण भी दिक्कत है। जो काम जिस जगह का है वहां के लोग अगर उस चीज में एंगेज होंगे ना तो काम ठीक तरीके से हो भी पाएगा। कभी कुछ दिक्कत हो गई तो वो लोग जो है अगर घर आए भी तो तुरंत घर वापस पहुंच करके अपने काम को कर पाएंगे। जैसे अभी लॉकडाउन में ही सारे लोग जो है बाहर से वो अपने अपने घर चले आए, अब जब वापस से इंडस्ट्री खोलने की बात हुई तो इंडस्ट्री ठीक तरीके से खुल ही नहीं पा रही क्योंकि लोग ही कम है काम करने वाले, आप समझ रहे हो ना। तो माइग्रेंट लेबर फोर्स जो है उसके कारण से भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। विच ऑल्सो हैव नो स्टेक्स इन द इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इन अ प्लेस लाइक दिल्ली विच हैज ऑफन पोस्टेड अ प्रॉब्लम टू द एंटरप्रेन्योर्स, है ना। तो ये इश्यू तकरीबन हर एक को झेलने को मिलती है कि जो फोर्स है काम करने का वो सारे के सारे माइग्रेंट है, लोकल लोग काम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो उसके कारण से प्रॉब्लम होती है। चौथा नंबर जो वीकनेस है वो है रिस्ट्रिक्टेड फैब्रिक बेस। जो हमारा फैब्रिक बेस है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि भाई यहाँ पे होगा, वहां पे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, है ना। while acknowledging the fact of the fact that India has a vast heritage variegated industry, textile industry, it has been recognized that the production of specialized and heavier varieties of fabric like drills, twills, gabardines, corduroys, velvets and denims etc, है ना, is generally of the poor quality or grossly inadequate for the requirements of the Indian garment sector. तो यहाँ पे जो restricted fabric base है कि इस तरह के fabric का ही इस्तेमाल करोगे और अच्छी quality का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो यहाँ पे आपका जो क्या दिक्कत हो जाता है ना कि हम एक चीज को जब बना रहे हैं तो जो quality जो available है सिर्फ उसी के जरिए बना रहे हैं, हम बेहतर करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत होती है कि जो heavier varieties of fabric होते हैं जैसे कि drill हो गया, twills हो गया, हम इन सब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इन सब का इस्तेमाल करना, इन सब को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन में, ताकि आप एक तरीके से टारगेट कर पाए जो फॉरेन मार्केट से उसको, है ना। तो पुअर क्वालिटी, इसी के कारण जो हमारे सामान बनता है वो भी पुअर क्वालिटी का रहता है, अच्छा क्वालिटी का नहीं रहता है, इनएडिक्वेट होता है, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं बाहर के वो हम उसको पूरा नहीं कर पाते, इवन हम इंडियन गारमेंट सेक्टर के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये एक दिक्कत हो जाती है। दिस हैज प्रिल्यूड द गारमेंट सेक्टर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग हेवियर गारमेंट्स फॉर विंटर वेयर एंड विंटर फैब्रिक्स फॉर स्पोर्ट्स वेयर एंड सो ऑन, है ना। तो इसके कारण से हमें जो है यू नो इन सारी चीजों को तैयार करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, विंटर वेयर को तैयार करने में या स्पोर्ट्स वेयर को तैयार करने में। आप अभी भी जब बिग बाजार चले जाओगे ना तो बहुत सारी बाहर की कंपनीज है जो कि इंडिया में फैब्रिक बेच रही है, सामान यहीं से लेती है लेकिन बनाती यहीं पे है और बेचती फिर हमें है, है ना। तो वो इंग्लिश वाला रूल ना अभी भी बना हुआ है। तो वो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बस मास प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, है ना। तो इसके कारण से हमारा जो फैब्रिक बेस है वो रिस्ट्रिक्टेड होने के कारण भी वन ऑफ द जो वीकनेस हमारा ये है। अगला जो पॉइंट है वो है रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट रेंज।
जो हमारा एक्सपोर्ट रेंज है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है. द लिमिटेशंस एक्सपीरियंस बाय द इंडियन गारमेंट सेक्टर इज रिगार्ड टू द फैब्रिक्स हैज हैड इट्स इंपैक्ट ऑन द एक्सपोर्ट सेक्टर आल्सो. तो जो हमारे लिमिटेशंस है इंडियन गारमेंट सेक्टर का, उसके कारण से हमें जो है हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है. हम उसको ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे हैं और हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमें और बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए और बेहतर करने के बारे में ध्यान देना चाहिए, है ना. करेंटली इंडियाज अपैरल एक्सपोर्ट आर मोर और लेस कन्फाइंड टू लाइट वेट कॉटन गार्मेंट्स मेड फ्रॉम द पावर लूम सेक्टर मेनली ऑफ समर वेयर. तो जो भी हम सामान यहाँ से बाहर भेज रहे हैं ना, जो भी अपैरल्स हम बाहर भेज रहे हैं वो एक तरीके से कॉटन गार्मेंट्स होता है जो कि लाइट वेट होता है, कम वजन का होता है और समर वेयर के लिए होता है, गर्मी में पहनने के लिए होता है ना, ठंडी में पहनने के लिए नहीं होता. तो उस केस में हमें जो है मार्केट झेलनी पड़ती है, हमें जो है दोनों तरह के कपड़े भेजने चाहिए, ठंडी में भी या गर्मी में भी, जो लाइट वेट ना हो, जो हाई वेट हो थोड़े से ज्यादा, है ना. These items are also used as casual wear. अभी इस items का इस्तेमाल जो है casual wear पे होता है. There is a huge international demand for standard garments like formal wear, shirts, trousers. Besides Indian garments made out of polyester, cotton blends. Besides winter clothing and industrial clothing in which India has currently little or no representation. तो जो विंटर क्लोथिंग होता है उसको तैयार करने में या फिर जो इंडस्ट्रियल क्लोथिंग होता है उसको तैयार करने में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है पूरी दुनिया में बहुत ही कम है. तो वही बात बोली जा रही है कि हमें जो है फोकस अपना थोड़ा चेंज करने की जरूरत है. ऐसा नहीं कि हम पावर लूम सेक्टर से जो समर वेयर भेज रहे हैं सिर्फ वही भेजें, हम इंटरनेशनल मार्केट में एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल क्लोथिंग होती है, जो विंटर क्लोथिंग होती है, उन सबको भी भेजना चाहिए. हमें जो चिल्ड्रंस के गारमेंट्स होते हैं, बच्चों का जो गारमेंट होता है पॉलिस्टर का, कॉटन ब्लेंड्स का, उन सबको भी हमको बाहर में एक्सपोर्ट करना चाहिए. पहले तो बनाना होगा फिर एक्सपोर्ट करेंगे ना. तो ये दिक्कत होती है कि हम रिस्ट्रिक्टेड है, हमारा जो एक्सपोर्ट का रेंज है वो सिर्फ समर के जो कपड़े होते हैं सिर्फ उसी में रिस्ट्रिक्टेड है. हम उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या बढ़ा नहीं पा रहे हैं, है ना. तो ये वन ऑफ द क्या है वीकनेसेस हो जाएगा, ठीक है ना. जो आखिरी पैराग्राफ है उसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं. फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द गारमेंट इंडस्ट्री इट इमर्जेस दैट ऑन बैलेंस द स्ट्रेंथ इन इंडस्ट्रीज आर मोर प्रोनाउंस्ड, है ना. तो आप देख पाओगे कि स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों है, लेकिन ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोग जो है स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वीकनेसेस की बात नहीं करते हैं, है ना. जब आप वीकनेस की बात नहीं करोगे, अच्छे तरीके से उसको एड्रेस नहीं करोगे, आप अपने प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, तब उसको बेहतर कैसे बनाओगे, है ना. ऑल्सो मे द वीकनेस मेंशन आर नाउ बीइंग सूटेबली एड्रेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट अब जो है जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस चीज के ऊपर काम कर रही है. फॉर इंस्टेंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स शुड ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्टेन्ड स्किल्ड टेक्नीशियंस एंड डिजाइनर्स फॉर द इंडस्ट्री. तो अभी जाकर के जो है लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस चीज के ऊपर, गवर्नमेंट जो है ध्यान दे रही है. तो उन्होंने एक आपने NIFT का नाम सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. इस तरह से जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा, ताकि जो प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ रहा है स्किल्ड लेबर का, स्किल्ड टेक्नीशियन का या डिजाइनर्स का, वो हमें जो है ना झेलना पड़े, है ना. तो जो भी वीकनेसेस है उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, ताकि उसको हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें और पूरे जो वर्ल्ड मार्केट है गारमेंट्स का उसको हम कॉन्कर कर सकें, है ना. तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए. सो स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने आपको बता दिया है. आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें. मिलते हैं अगले क्लास में, अपने अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखें. बाय बाय. थैंक यू.